कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि यानी चार महीने के बाद भगवान विष्णु के योगिक निद्रा से जागने का दिन। इस दिन को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या भगवान विष्णु चार माह तक निद्रा में रहते हैं या फिर इसमें कोई संदेश हमारे लिए भी छुपा है? इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। हम में से कई लोग इसके पीछे की कहानी भी जानते होंगे, पर वह कहानी का मर्म क्या हो सकता है? भगवान विष्णु की यही चार माह की योगिक निद्रा में रहने की प्रक्रिया हमें भी योगाभ्यास की प्रेरणा देती है। ऋतु चक्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के पहले के वह चार महीने में वातावरण के बदलाव के कारण मनुष्य की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा मंद होती है, जिसकी वजह से इस चार माह में हल्का भोजन और उपवास करने का भी महत्व है। बचा हुआ समय योगा अभ्यास यानी आत्मविकास, धर्म, नीति का अभ्यास करके चार माह के बाद सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्य के लिए कटिबद्ध होने का समय होता है। वर्षा की ऋतु और पुराने समय में औद्योगिकरण तथा परिवहन सुविधा बेहतर न होने के कारण आने वाले उत्सवों और शुभ प्रसंगों के लिए जरूरी सामग्री तैयार करने के लिए समय मिले, इसलिए देव पोढ़ी एकादशी से देव उठनी एकादशी के वह चार मास लोग शुभ प्रसंगों का आयोजन नहीं करते। देव उठने के साथ ही शुभ प्रसंगों की शुरुआत हो जाती है और शुरुआत तुलसी विवाह से होती है। जलंधर नाम के एक असुर के साथ वृंदा का विवाह हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता स्त्री थी। उनकी भक्ति और पूजा ही उनके पति जलंधर का कवच बन गया था और इसकी वजह से जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने तीनों लोगों में आक्रमण कर यातनाएं देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सब भी त्रस्त थे। जलंधर को हराना लोकहित के लिए बहुत ही जरूरी था, परंतु जलंधर को हराने के लिए वृंदा का स्वामी भक्ति कवच तोड़ना बेहद जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने छल से जलंधर का ही रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रता कवच तोड़ा और यह छल ज्ञात होने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर में परिवर्तित होने का श्राप दिया और वह शालिग्राम बने। वृंदा सती हुई और उनकी राख से तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने बिना तुलसी के भोजन न ग्रहण करने का संकल्प लिया ताकि विष्णु भक्त वृंदा के द्वारा लोकहित में दिए गए त्याग को उचित सम्मान मिले और हमेशा लोगों के मन में भगवान विष्णु के साथ ही माता तुलसी का भी स्मरण हो। तब से लोगों द्वारा भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी पत्र अर्पण किया जाने लगा और माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाने लगा। पर इस रूपकात्मक कथा में समाज के लिए भी एक संदेश छुपा है। जलंधर यानी आसुरी प्रकृति वाला एक जननेता और वृंदा यानी समर्पण, निष्ठा और स्वामी भक्ति जैसे अर्धांगिनी के जैसे गुणों वाले और सात्विक विचारों से विमुख हुए जलंधर के आसपास के आंगिक लोग, जो हमेशा से कवच बनकर जलंधर की रक्षा करते आए, उन लोगों को जब भगवान विष्णु के विचारों यानी सात्विक विचारों का बोध हुआ, तब उन्होंने जलंधर यानी असुर जन नेता का त्याग किया और कवच भंग हुआ। उन लोगों ने खुद ही समाज में सात्विक विचारों का उत्थान किया और जब समाज क्रियाशील हुआ, तब भगवान पत्थर यानी निष्क्रिय हुए और सिर्फ भौतिकवादी तथा स्वार्थपूर्ण जीवन जीने के बदले समाज को निस्वार्थ कर्मशील होने की भी प्रेरणा दी। और ऐसा निस्वार्थ परोपकारी जीवन का उत्कृष्ट उदाहरण है वनस्पति यानी तुलसी वृंदा। तुलसी यानी सात्विक सशक्त क्रियाशील समाज और शालिग्राम यानी ईश्वरीय शक्ति और दोनों का मिलन विवाह यानी आदर्श समाज। तुलसी वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ, पावन और सर्वोपरि मानी जाती है। तुलसी का आयुर्वेद में भी काफी महत्व है। तुलसी का नियमित सेवन तन और मन को निरोगी रखता है और वही मनुष्य के लिए लक्ष्मी प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी। इसीलिए तुलसी को लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है।
भारत के हर घर, भवन या मंदिर में तुलसी के पौधे का संरक्षण और संवर्धन आज भी किया जाता है। तुलसी एक सात्विक सकारात्मक ऊर्जा स्रोत है, जिसकी उपस्थिति ही पूरे समाज के लिए उपयोगी है। ऐसे तुलसी का परोपकारी जीवन हमें वैसा जीवन जीने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हिंदू धर्म में सिर्फ लाभ ही नहीं, पर कोई भी वस्तु द्वारा मिले हुए अप्रत्यक्ष ज्ञान का भी उपकार मानकर हमेशा से ही समाज के द्वारा उसका रक्षण हो, उस उद्दात हेतु से उनको अनेक कहानियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ बुन लिया गया है।